दौड़ना शुरू किया है एम्पायर ने क्रॉस की गेंद कराई और गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर। एम्पायर इमरान ने अपने हाथ खोले और अपने चेहरे के तासरत से वाजे कर दिया कि ये गेंद वाइड है। सबको वेलकम इस लाइव पे, लाइव शेयर करते जाएं दोस्तों। इजाज सामना करेंगे आसिफ का और यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया इजाज को और काफी उम्दा बॉलिंग आसिफ की जानिब से, जिसने पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया इजाज को और ये पहली विकेट अपने नाम की जमैका स्पोर्ट की टीम ने। अयाज अली जोखियो मीर में इमदाद के वेलकम, इमदाद के लाइव शेयर करें, पेज लाइक करें, वेलकम सबको। और यहां पर पहले ही ओवर में आसिफ जो कि विकेट लेने में कामयाब हुए हैं एजाज की, देखते हैं ये कमबैक कर पाते हैं या नहीं। इस वक्त तो काफी उम्दा बॉलिंग करा रहे हैं आसिफ। ये मैच काफ़ी आज इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग होगा शायद इन्हें क्रिकेट के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। आसिफ दौड़ना शुरू किया एम्पायर से क्रॉस की गेंद कराई, गेंद को कट कर दिया मगर बेहतरीन फील्डिंग कीपर की जानिब से गेंद रोकने में कामयाब हुए, किसी भी रन का इजाफा नहीं हुआ। स्कोर इस वक्त एक है, दो है मेरे ख्याल में, कंफर्म नहीं है, मैं अभी आपको कमेंट्री सुनकर फिर आपको बताऊंगा स्कोर। आसिफ दौड़ना शुरू किया एम्पायर क्रॉस की गेंद कराई और यहां पर जोरदार अपील, एम्पायर अपनी जगह पर नाकाम। टारगेट कितना है, टारगेट 78 का, 76 है। आसिफ है बॉलर और यहां पर गेंद कराई और उठा के खेले 6 रन के लिए। पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए, इसको जा पहुंचा 8 गुलजार के बल्ले से पहला छक्का। और यहां पर एम्पायर का इशारा वाइड, 1 रन का इजाफा, स्कोर जहां पहुंचा 9। आसिफ सामना करेंगे गुलजार, दौड़ना शुरू किया एम्पायर से क्रॉस की गेंद कराई गुलजार को, यहां पर शायद आउट हो जाए और इसी तरह बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था मगर एम्पायर का इशारा नो बॉल। खुशकिस्मत साबित हुए गुलजार अपनी टीम के लिए, एम्पायर का इशारा नो बॉल, 1 रन का इजाफा हुआ और एक चांस भी मिली गुलजार को। भाईजान मैच कैंसिल खुद टीम ने करवाया क्योंकि उनके यहाँ कोई किसी की वफात हो गई थी, इस वजह से मैच कैंसिल करवाया। सिंध स्टार का स्कोर क्या है भाई, सिंध स्टार का स्कोर 8 है मेरे ख्याल में, फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। टीम सिंध स्टार और जमैका स्पोर्ट है, आसिफ है बॉलर, यहाँ पर गेंद कराई, गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, बागेश वाइट, स्कोर 11 है, स्कोर जहाँ पहुंचा 11। इनिंग का पहला ओवर जारी है,
एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है सिंध स्टार की टीम को। आसिफ दौड़ना शुरू किया है पार्स क्रॉस की गेंद कराई यहां पर उठा के खेले फाइनल लेग बाउंड्री लाइन की जानेब और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 6 रन के लिए। इसी तरह पहला ओवर इख्तिताम पजीर हुआ स्कोर जा पहुंचा 17 एक विकेट के नुकसान पे। गुलजार और उसके साथ साथ फहीम इस वक्त पिच पर मौजूद हैं। आसिफ जो कि एक विकेट लेने में कामयाब हुए और 17 रन दिए हैं पहले ही ओवर में। देखते हैं ये विकेट इनके लिए मुश्किल साबित करती हैं या तो 17 रन इनके फायदे में जाती हैं, ये तो बताएगा अगला ओवर और उससे भी अगला ओवर। फैसल जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी और कैप्टन ने तीसरा ओवर भी कराने के लिए फैसल को गेंद थमाई है। देखते हैं फैसल दौड़ना शुरू किया एम्पायर से क्रॉस की गेंद कराई फहीम को और यहां पर जोरदार अपील एम्पायर का इशारा देखते हैं कि ये आउट है या नहीं। फिलहाल तो एम्पायर अपनी जगह पर खामोश है और यहाँ पर थर्ड एम्पायर हमारे पास मौजूद नहीं है तो इसलिए हमारे दोनों एम्पायर आपस में मशवरा करके बताएंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे दोनों एम्पायर इस वक्त मशवरा कर रहे हैं उसके बाद फैसला देंगे। जाकिर कलमती जगह कहाँ है कौन सा ग्राउंड है दोस्त? ये दर्शानो छन्नो में अकमल स्पोर्ट का ग्राउंड है।